गुलाबचंद कटारे जिस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुलाबचंद जी, आपका स्वागत है जी राजस्थान पर। धन्यवाद सर। देखिए, बड़ा ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने संबोधन में, और आज ये कहा गया है कि तीनों कृषि कानून वापस लेगी सरकार आने वाले सत्र में। क्या कहेंगे आप? देखो, बड़े किसानों के एक लंबे संघर्ष के बाद और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री इन तीन कानूनों को लाए हैं। इसको देश का किसान अच्छी तरह से समझ रहा है, लेकिन कुछ लोगों के हित इससे टकराए थे, क्योंकि जो बिचौलियों की भूमिका इन किसानों के जीवन के साथ जो बन चुकी थी, ऐसे मंडी के व्यापारियों से संघर्ष और कुछ किसान लोगों के संघर्ष के कारण से जो हिंसक रूप बनता जा रहा है, और एक लंबे संघर्ष के कारण से लग रहा था कि देश के कुछ लोग किसानों के हित की बात करके देश के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर देश का किसान ही इस पर विचार करे कि प्रधानमंत्री जी ने तो बड़ा मन रख करके कानूनों को वापस लिया है, मेरी धारणा यह है कि किसान वापस अपनी हित को समझ करके वो भी अपनी आवाज को मुखरित करे, जो किसान के हित में बने वो कानून देश के प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से बनाना चाहिए। कुछ लोगों के कारण से आज देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की शांति व्यवस्था के लिए जो प्रयास किया उसका तो स्वागत है, लेकिन किसानों के हित को भी ध्यान में रख करके भविष्य की तैयारी देश का किसान करे। बिल्कुल कटारिया जी, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले हमारे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास भी जुड़े थे, और उन्हीं से मैंने यही सवाल किया था जो मैंने आपसे पूछा है। उन्होंने कहा कि आने वाला चुनाव है, वोट की चोट सरकार को ना लगे, इसी के चलते फैसला लिया गया है। देखो, मैं सोचता हूँ जब आप और मैं देख रहा हूँ कि सड़क पर भी जिस प्रकार की हिंसक घटनाएं शुरू हुई है, उसके कारण से कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, तो माहौल बिगाड़ने के लिए तो चंद लोग भी पर्याप्त होते हैं, लेकिन लोगों के जीवन के साथ इस हिंसक घटनाओं से भी देश को बचाना जरूरी था, और इसके कारण से जिसके हित में बनाया वही मुखरित होकर के इस सवाल का जवाब देगा, तो देश जरूर उस पर विचार करेगा। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने अपने लिए कानून नहीं बनाया, कोई भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए कानून नहीं बनाया, अब ये देश के किसान को सोचना है कि उसके हित में है या क्या है। बिल्कुल, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कटारिया जी अपने संबोधन में कि हम बकायदा एमएसपी को प्रभावी तरीके से करने के लिए कमेटी गठित करेंगे, लेकिन खाचरवास जी जो कि परिवहन मंत्री हैं उनका यह कहना है कि जब उपचुनाव में सरकार की हार हुई तो पेट्रोल डीजल पर रेट कम कर दिए, और अब आने वाले चुनाव है उसमें कहीं सरकार हार ना जाए, इसी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। देखो, मैं सोचता हूँ वो बुद्धिमान आदमी है, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने पहली बार कभी चुनाव जीते हैं जहाँ उनकी पार्टी समाप्त हो रही है, रसातल की ओर जा रही है, बचे हुए तीन राज्य भी मरने के साथ ले रहे अंतिम, ऐसे समय में उनको ये बोलना उनके लिए शायद उचित हो सकता है, पर देश के लोकतंत्र के लिए मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार के कृषि कानून में स्वामीनाथन आयोग की एक लंबी एक्सरसाइज के बाद जो रिपोर्ट पेश हुई जिसमें लगातार मांग उठ रही थी उसके अनुसार था, फिर भी अगर खाचरवास को जी लगता है कि मंडी के शोषण से ही किसान को जिंदगी गुजारनी है तो गुजारेगी, मैं सोचता हूँ, पर लॉ एंड ऑर्डर देश का न बिगड़े ये भी एक प्राथमिकता है, इसलिए देश की प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कटारिया जी विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि विपक्षी पार्टियों के जो उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने साथ दिया किसानों का इस आंदोलन में, उसकी जीत हुई है। मेरे हिसाब से ये पार्टियां तो केवल अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, एक भी आंदोलन इस राजस्थान में तो इस कांग्रेस पार्टी का मैंने तो देखा नहीं कि जो कोई खाली एक टोकन है ना, उनके कार्यकर्ता कुछ आकर के हा हू करके चले जाते थे, कोई किसान इनके आंदोलन में जुड़ा नहीं, ये तो जेब पिटाने का कार्यक्रम है। कांग्रेस का तो कुछ नहीं है, केवल किसान कुछ संघों का विरोध था, वो लगातार जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन चल रहा था उसके कारण से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका गुलाबचंद कटारिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुलाबचंद कटारिया जी हमारे साथ जुड़े थे इस वक्त नेता प्रतिपक्ष, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस गिने चुने राज्य में बच चुकी है और ये साफ तौर पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ सहयोगी इस वक्त